हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। रोज़ की तरह 6 बजे हमारी चाय में उबाल आ गया है। जब तक स्कूल रहता है सब लोग 7 बजे नाश्ता कर लेते हैं, अगर छुट्टी का दिन रहता है तो 8 बजे करते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन किसी को दुकान पे जाना है, किसी को स्कूल जाना है, तो सबको जल्दी पड़ी है। शाम को हमने कपड़े धोए थे तो सूखे नहीं हैं, तो अब चलते हैं कपड़े डाल देते हैं छत पे ताकि वह सूख जाएं। बारिश कभी भी आ जाती है इस टाइम पर, तो कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत होती है। ये जींस के कपड़े मोटे हैं, जल्दी सूखते नहीं हैं, तो हमने इनको तार पे इस तरह से डाल दिया है। अभी धूप नहीं निकला है, हवा चल रही है, हवा में सूख जाएंगे। इस समय हवा चलती रहती है थोड़ा तेज, तो जो ये पतले वाले कपड़े हैं वह गिर जाते हैं। गिरने की वजह से गंदे हो जाते हैं क्योंकि नीचे का फर्श गंदा है, बारिश होती है, गमलों से मिट्टी निकलता है तो फर्श पे पड़ा रहता है। जैसे ही कोई कपड़ा गिरता है तुरंत गंदा हो जाता है, फिर से धुलना पड़ता है। तो इसमें हम लगा देते हैं कपड़े वाली क्लिप, जो चिमटी होती है उसको लगा देते हैं। अनमोल आते हैं छत पे, खेलते रहते हैं तो इधर उधर फेंकते रहते हैं, सब इधर उधर पड़ा होगा, कहीं पर भी एक जगह पर नहीं मिलेगा। ये देखिए उठाकर मैंने लगा दिया है। तौलिया नीचे लिए चलते हैं, अनमोल नहा रहे हैं तो उनको ज़रूरत है तो दे देते हैं। सुबह का सुहाना मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है थोड़ी देर टहल लें, लेकिन टाइम नहीं है, सबको जल्दी है, तो चलते हैं नीचे, सबको नाश्ता करवा देते हैं, फिर स्कूल चले जाएंगे। अनमोल दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, हमारे यहाँ बंदर आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं, रोज़ नहीं आते हैं, लेकिन जब हम बंद नहीं करेंगे उस दिन ज़रूर आएगा, तो जल्दी से बंद करके नीचे आ गए हैं। अनमोल नहा धो के ड्रेस पहन के तैयार हो गए हैं। शाम को अपना स्कूल बैग सेट नहीं करते हैं, सुबह जल्दी रहती है, सुबह यह नहा करके ड्रेस पहनेंगे, फिर अपना ये देखो बैग सेट कर रहे हैं। चाय और पराठा हमने सभी को दे दिया है, सब लोग खा पी रहे हैं। अनमोल के टिफ़िन में भी हमने रख दिया है आलू का पराठा, अनमोल को बहुत पसंद है, बोतल में पानी भर दिया है। अगर रोटी सब्जी देंगे तो फिर नहीं खाएगा, आलू के पराठा लेकिन बढ़िया से खा लेते हैं तो दे देते हैं। ये देखिए टाटा बाय बाय, हम भी चलते हैं अब अपना काम निपटा लेते हैं। फ्रेंड्स, सुबह के भागा दौड़ी वाले काम ख़त्म हो गए हैं, अब कोई जल्दी नहीं है, सारे काम आराम से करेंगे। तो हम दोपहर के लिए दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर रख देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको अपना किचन। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा किचन, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है ना ही छोटा है। हमने अभी रोटियां बनाई थी तो ये चेप में रखी हुई हैं, और गैस पे जो कढ़ाई है उसमें सब्जी रखा हुआ है, गरम गरम हमने अभी बनाया है। मुझे बहुत ज़्यादा तो सेटिंग आती नहीं है, जैसी भी आती है वैसी ही आपको दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब से मेरा किचन बना है ऐसे ही है, मैंने इसमें कोई भी डेकोरेशन नहीं किया है। मैं कोई भी सामान लाती हूँ इस्तेमाल करने के लिए तो बस ऐसे ही किचन में रख करके इस्तेमाल करती रहती हूँ। लेकिन इस टाइम की मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये 3 सेट, जो कि बहुत ज़्यादा जगह भी ले रखा है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। जल्दी में जब इनमें से बर्तन निकालना होता है तब तो और भी मुश्किल होती है, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं इसी को सेट करने वाली हूँ, इन सबको यहाँ से हटा करके मैं एक और यहाँ पे सेट लेकर के आई हूँ, उसको लगाऊंगी। तो ये हमारे यहाँ लगा हुआ है घड़ी, किचन में घड़ी अच्छा रहता है, बढ़िया से टाइम देख लो, बार बार बाहर नहीं जाना पड़ता है। और ये हमने लगाए थे पर्दे, रक्षाबंधन के टाइम में मैंने इसमें पर्दे लगाए थे, क्योंकि इसके अंदर डिब्बा रखा होता है तो वह काफ़ी सारा गंदा हो जाता है। जब हम गैस पे खाना बनाते हैं तो गैस पे जब भी पूड़ियाँ तलते हैं या सब्जी छौंकते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है, जो धुआं जैसा होता है, वो जा करके सीधे डिब्बों पे पड़ता है, जिससे डिब्बे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो मैंने जब से पर्दे लगा दिए हैं तब से मेरे डिब्बे साफ़ रहते हैं और ज़्यादा दिखते भी नहीं हैं, दिखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। हमने अलमारी में पर्दे लगाए तब से हमारा किचन अच्छा लग रहा था देखने में, उसी दिन से मैंने मूड बनाया मैं इन बर्तन को भी सेट कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में और जगह भी मिल जाए। और ये सबसे पहले मैंने लिया था, ये मेरा बहुत पुराना है, तकरीबन 10 साल हो गया है, और उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये तीसरा आ गया है। आप देख रहे हैं कितना सारा जगह ले रखा है, और इनमें से बर्तन निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जिस बर्तन की ज़रूरत है वह नीचे है, जिसकी नहीं ज़रूरत है वह ऊपर है, इसमें टाइम भी लग जाता है बर्तन ढूँढने में।
तो आज मैंने 1200 रुपये फाइनली खर्च किए हैं और देखते हैं कैसी सेटिंग होती है। बहुत दिनों से मेरा ये सब 12-13 साल से ऐसे ही काम चल रहा था, लेकिन इस टाइम पर मैंने बिल्कुल पक्का मन बना लिया था कि इनके लिए स्टैंड लेकर के आते हैं, अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है। धीरे धीरे से बर्तन हो जाता है, इतना सारा इकट्ठा तो मैंने नहीं लिया है कभी। मुझे बर्तन पसंद है और मेरी ज़रूरत भी रहती है, तो मैं जब भी मार्केट जाती हूँ कोई भी ज़रूरत की मतलब चीज़ होती है, बर्तन जो भी मुझे चाहिए खरीदती हूँ। इस तरह से मेरा बर्तन का सेट जो है ज़्यादा हो गया। तो ये रहा मेरा बर्तन का स्टैंड, इसे मैंने 1200 रुपये में ख़रीदा है। पहले तो यह थोड़ा सस्ता आता था, इस टाइम में महंगा हो गया है। अब इसमें बर्तन अपने सेट करके देखते हैं। अभी हम इसको नीचे ही सेट करके इसमें बर्तन रख देंगे, क्योंकि बाद में हम इसको दीवार में लगाने के लिए सोच रहे हैं। इस टाइम पर हमारे घर का जो ड्रिल मशीन है वह थोड़ा सा ख़राब है, तो दीवार में छेद नहीं हो पाएगा तो यह सेट नहीं होगा। लेकिन हम स्टैंड ले आए हैं तो फिर इसमें बर्तन रख करके तब तक इस्तेमाल करते हैं, जब बाद में दीवार में लगाएंगे तो फिर से बर्तन निकाल लेंगे और दीवार में स्टैंड को लगवा देंगे। अभी आ गया है तो बर्तन रख देते हैं। जब हम इसको ख़रीद रहे थे तो लग रहा था काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जैसे ही इसमें बर्तन रखने लगे हैं तो यह भी छोटा लगने लगा है धीरे धीरे से। एक और इससे थोड़ा छोटा था और इसका एक बड़ा वाला साइज़ भी था, यह मैंने बीच वाला साइज लिया है। ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही छोटा है, क्योंकि किचन के एरिया के हिसाब से मैंने लिया था। मुझे लग रहा था जो बड़ा वाला इसका सेट है अगर ले लेंगे तो मुझे ये साइड में रखा हुआ जो फ्रिज है खोलने में दिक्कत होगी, या फिर इसको दीवार में लगवाएंगे तो भी ज़्यादा भारी हो जाएगा। इधर से कोई भी फ्रिज खोलेगा तो उसको मतलब लग सकता है या स्टैंड चोट भी लग सकती है, तो इसलिए मैंने यह बीच वाला सेट सही समझा था तो इसको मैं लेकर के आई थी। तो एक जो टब था उसके बर्तन तो मैंने इसमें रख दिए हैं, खाली हो गया है। अभी दूसरा वाला बचा है, अभी नया नया है तो हाथों में सेटिंग नहीं है कि कौन सा बर्तन कहाँ पे रखें, जो भी जैसा समझ में आ रहा है लगा दे रहे हैं। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था इसको ख़रीदने के लिए, फाइनल मैंने इसको कल ख़रीदा है और आज इसमें बर्तन सेट कर रही हूँ। 1200 रुपये खर्च करने के बाद देखती हूँ कितना मन को सुकून मिलता है। फ्रेंड्स, हमारे किचन में बर्तन के 3-3 सेट देख करके काफ़ी सारे लोगों ने बोला है मुझसे, तुम बहुत कंजूस हो, पैसे नहीं खर्च करती हो, कहाँ लेकर के जाओगी। तो मैं उनको बताना चाहूँगी, मेरा किचन है, काम मैं करती हूँ, जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक मैं ऐसे फालतू में पैसे नहीं खर्च कर सकती, क्योंकि मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतने ज़्यादा फालतू पैसे हैं। मेरे पास इतने ज़्यादा पहले बर्तन नहीं थे, कम बर्तन थे तो एक ही में आ जाते थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद जब तीसरा हो गया तो मुझे लगा प्रॉब्लम हो रही है और मेरे पास पैसे हैं, व्यवस्था है हमारे पास बर्तन का स्टैंड ख़रीदने की, तभी मैंने यह बर्तन का स्टैंड ख़रीदा है। तो मेरे ये दो टब जो हैं खाली हो गए हैं, तो इनको मैं हटा देती हूँ और जो स्टील वाला था उसको मैंने रख दिया है, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद हम इसमें रखेंगे, उसके बाद जब बर्तन सूख जाएंगे तो मैं इस स्टैंड में रखने के लिए सोच रही हूँ, इसीलिए मैंने एक नहीं हटाया है, बाकी दो हटा दिए हैं। तो सारे बर्तन इसमें बढ़िया से सेट हो गए हैं, सारे तो नहीं आए हैं कि इसमें बड़े वाले कुकर या बड़े वाले जो भगोने होते हैं वो नहीं आए हैं, बाकी जो छोटा वाला थाली प्लेट कटोरी ग्लास ये चम्मच वगैरह था, चमची करछली ये सब आ गया है। ये देखिए सेट करने के बाद ऐसे लग रहा है, बर्तनों की सेटिंग हो गई है, अच्छा लग रहा है लुक देखने में किचन का भी, और बढ़िया से बर्तन भी अच्छे लग रहे हैं। यही सारे बर्तन जब टब में पड़े थे तो कटोरी ऊपर है ग्लास नीचे है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें प्लेट अलग है, कटोरी अलग है और ये बर्तन सारा अलग अलग है, तो देखने में अच्छा लगता है और निकालने में भी आसानी है, आसानी से निकाल करके इस्तेमाल करके फिर से आप इसमें लगा सकते हैं। एक एक बर्तन बढ़िया से दिख रहा है, अच्छा लगता है देखने में, टब में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। यही वाला बर्तन इसमें सेट कर दिए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का किचन टूर ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।